नमस्कार दोस्तों, एटी ट्रेडिंग ऑफ आर्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी की हम तैयारी कल की करेंगे कि हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होंगे और क्या हमारी ट्रेड लाइन होगी और क्या हम हमारा सिनेरियो होगा ट्रेड लेने का। अब देखेंगे हम ये बैंक निफ्टी को देख लेते हैं हम दोस्तों, क्या चल रहा है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी को देख लीजिए फटाफट। तो मैं आपसे बता के चल रहा था कि जब जब ये जो लेवल भी दिखाएंगे दोस्तों, लेवल भी दिखाएंगे, ये मैंने आपको बताया था कि हमारा ये सपोर्ट था। सपोर्ट जब हम ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने के बाद फास्ट मूवमेंट आएगा, जो 3 दिन फास्ट मूवमेंट आया। अब इसने यहाँ सपोर्ट ले लिया, इसके बाद ही कैंडल ऊपर गया, तो ये हमारा सपोर्ट था। सपोर्ट टूटा तो हमारा रेजिस्टेंस बन गया, रेजिस्टेंस टूटने के बाद ऊपर की तरफ ये सस्टेन कर गया। अब ये चीज देखो आप, ये सस्टेन कर रहा है यहाँ पे, हमारा गौर से देखिए, ये चीज सस्टेन कर गई है। ये एक एक दो तीन चार पाँच छः दिन की कैंडल सस्टेन कर गई और मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन ये कैंडल बनी है हमारी। तो हम क्या करेंगे अब देखो, अब इसके ऊपर क्या होगा, अब नेक्स्ट सेलर जो एक्टिव होंगे हमारे इसी के नीचे होंगे। मैंने बताया ये अब हमारा पहले सपोर्ट था, सपोर्ट टूटा फिर रेजिस्टेंस बना, फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर ही सस्टेन कर गया। आप सबसे सस्टेन कर गया 4-5 दिन, अब हमारे 4-5 दिन में मोरो ट्रेडिंग का दिन भी ऊपर ही सस्टेन कर गया। अब ये जो दिन निकला है ये भी मंडे का हमारा, ये भी हमारा ऊपर ही सस्टेन कर गया है। तो हमारा सिनेरियो क्या होगा, अगर नेक्स्ट लेवल की जो नीचे की तरफ को लेवल होंगे वो हमारा इसी के नीचे सेलिंग सिनेरियो बनेगा, इसके नीचे बनेगा, इससे पहले बैंक निफ्टी में नहीं बनेगा दोस्तों। अगर अब जिस तरह से ये ऊपर बायर इकट्ठे हो गए ना, मतलब यहाँ पे बायरों का मूड एक्टिव हो रहा है, सेलरों का एक्टिव मूड होगा, यहाँ से नीचे सेल पोजिशन बनाएंगे, इसके नीचे बनाएंगे, जो होगा हमारा 43,400 के नीचे की तरफ को होगा, वो उसके बाद होगा। तो हम अब ऊपर की तरफ को जो ट्रेड लेंगे, अब इसके ऊपर लेंगे, जो मुहूर्त ट्रेडिंग वाला सेटअप वो बना था ना हमारी, जो कैंडल है इसी को, 1 घंटे की जो कैंडल बनी, इस पर अब सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया है दोस्तों। इसी के ऊपर निकलेगा तो हम कॉल साइड ट्रेड लेंगे, जो कि हमारी लेके निकल का आएगा ये, ठीक है, ये निकल का आएगा दोस्तों, जो बैठेगा हमारा 44,600 44,700 के आसपास के जो रेजिस्टेंस होगा हमारा। अब इस हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देख लेते कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पर है क्या कहानी। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी को, बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं, बैंक निफ्टी देख रहे हैं, सॉरी बैंक निफ्टी की एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। अब बैंक निफ्टी को देख लीजिए, यहाँ पे ये जो चल रहा है ना, ये देखो, ये और ये देखिए, ये अब इस चीज को देखिए, यहाँ पे एक दो तीन दिन यहाँ पे सस्टेन कर गया है और ये हमारा मोहरत ट्रेडिंग पे। अब हमारा एक तो रेजिस्टेंस ये था, ये टूटने के बाद सपोर्ट टूटने के बाद वापस निकला तो ये ऊपर सस्टेन कर गया। अब मार्केट क्या करे, इसी के बीच में ओपन हो, इसी के बीच में जो कि लेवल बैठेंगे हमारे, लेवल बता देंगे हम आपको, लेवल बैठेंगे अब हमारे इसी के बीच में, मार्केट ओपन हो, ओपन होने के बाद 44,050 का लेवल आ गया है अभी, क्योंकि रेजिस्टेंस के 50 पॉइंट को बैंक निफ्टी को ले लेते हैं, 50 पॉइंटों को ले लेते हैं, तो रेजिस्टेंस बन के आ गया 44,050 44,060 का लेवल जब निकालेगी मार्केट तो ऊपर की तरफ को लेवल होंगे हम हमारे, ऊपर की तरफ को या निकलती नजर आएगी। अगर इसी बीच में ट्रेड करने के बाद नीचे को ब्रेक करती है तो हमारी, मैं आपको बता दूं, मैं आपको पहले से ही बता कर चल रहा था कि जब भी नीचे की तरफ को ब्रेक करेगा तो ये हमारी ट्रेड लाइन बनती हुई नजर आ रही है, ये ट्रेड लाइन बनती नजर आ रही है। ये ट्रेड लाइन ब्रेक करेगा ना तो एक पहला टारगेट हमारे ये होंगे, दूसरे टारगेट हमारे ये होंगे, ये टारगेट है हमारे दोस्तों, मैंने पहले भी बताया है, यही मेरे टारगेट बनेंगे। और मैं आप तुम्हें ये अपने लेवल चेक करा देता हूँ दोस्तों, एक बार लेवल चेक करना तो कंफर्म हो जाता है कि मेरे लेवल होते क्या हैं। तो लेवल देख लीजिए दोस्तों, ये मैंने कोई आज ही ये नहीं बनाया सपोर्ट रेजिस्टेंस, आज ही ड्रॉ नहीं करें, हर रोज इन्हीं को मैं एनालिसिस करके बताता रहता हूँ कि यही एनालिसिस है, सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाले गए हैं कि इसी के अकॉर्डिंग मैं बाइंग या सेलिंग करूंगा। मैं आपको बता के चल रहा हूँ, ये मेरा चैनल है, चैनल पर जब जब आएगा मैं बाइंग करूंगा, बाइंग करूंगा, बाइंग करूंगा। अब उसके बाद देखो, यहाँ पे ऊपर हुआ, नीचे क्यों आया, वापस गया, साइडवेज कर दिया, मेरा कोई मूड नहीं था ट्रेड करने का, ये भी दिन ऐसे चला गया मोरा ट्रेडिंग का, कोई नहीं। मैंने कहा था कि या तो यहाँ ओपन हो या इसके यहां ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ को निकले तो हम कैंडल का ट्रेड लेंगे, वो भी 2 कैंडलों के बाद ट्रेड लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या हुआ, यही ट्रेड करके यही कहानी हो रही है। अब मार्केट का सिनेरियो क्या होगा, बैंक निफ्टी का, जब जब इसको लेवल निकालेगी, ये लेवल होगा हमारा 44,100 कुछ, 100 का लेवल मानकर चलो,
इसका लेवल निकालेगी ना तो उसके ऊपर की तरफ को जो हम ट्रेंड लेंगे 70-80 पॉइंटों की पहली मूवमेंट होगी। इसके बाद जो फास्ट मूवमेंट होगी ना दोस्तों वे 44,100-130 के पार होगी, इसी के बाद निकलने के बाद होगी, वरना इसी बीच में प्रीमियम गलाए जाएंगे। वरना ये ट्रेड लाइन का जो निकल कर आ रही थी दोस्तों, जो मैं बता रहा था अभी आपको, ये ट्रेड लाइन ही काम करेगी तो इसमें एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है, जो कि हमारी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी तभी होगी तब इसी बीच में ओपन होने के बाद या तो वो ऊपर की तरफ को निकाले 44,130 का लेवल निकाले, या फिर इसी को 43,850 का लेवल नीचे वो ब्रेक करे तो मैं यहां तक ही ट्रेड लूंगा बस, वो भी नेगेटिव साइड। ये हमारा सेटअप हो गया है, जिस अकॉर्डिंग अपना सेटअप बनने देना दोस्तों, सेटअप बनेगा तो ट्रेड लेंगे वरना नहीं लेंगे। यही हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस होंगे, इसी के हम टेक्निकल एनालिसिस करके इसी के अकॉर्डिंग ही हम ट्रेड लेंगे, इसके अलावा कोई ट्रेड नहीं। अगर नीचे की तरफ गैप डाउन ही मिल जाता है यहाँ पे तो हम ऊपर की तरफ को एक ट्रेड लेंगे, जो हमारे ये टारगेट होंगे। ठीक है दोस्तों, अब फटाफट हम बैंक निफ्टी निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी को मैं बता के यही चल रहा था आपको कि ये जो था ना ये टूटने के बाद नीचे की तरफ को आई थी, फास्ट मूवमेंट हुई थी। बाकी देखो डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, मैं पहले से बना भी नहीं था डब्ल्यू पैटर्न, मैं पहले से बना के चल रहा बताता के चल रहा हूँ कि डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। उस टाइप का जब बनेगा ऊपर सस्टेन करेगा ना तो ऊपर की तरफ को टारगेट निकल के आएंगे हमारे। ठीक है, अब देखो डब्ल्यू पैटर्न बन गया, ऊपर सस्टेन भी कर गया, ये मोहरत ट्रेडिंग की कैंडल हो गई। अब जब भी मोहरत ट्रेडिंग का लेवल निकालेगा तो हमारे लेवल ये निकल के आएंगे दोस्तों, ठीक है, जो कि इसे लेके आएंगे 19,830 तक, 19,800 का हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा, यानी कि 300-400 पॉइंट के ऊपर की तरफ हम मार्केट को देख सकते हैं। मगर उस वो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ट्रेड लेने के एनालिसिस करेंगे तो हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर पहुंच जाते हैं दोस्तों फटाफट। तो ये देख लेते हैं, ये देख लीजिए, और इसी चीज में देख लीजिए आपको क्या प्रीमियम गलाए गए हैं निफ्टी में। और फटाफट हम अपने लेवल भी देख लेते हैं, लेवल हमारे क्या हैं, ये हमारे लेवल हैं, तो हम अपने लेवल के अनुसार ही ट्रेड करेंगे। तो आप देख लीजिए इसी बीच में मैंने आपको बताया था यहाँ कॉल शॉर्ट हुई है, यहाँ कॉल शॉर्ट हुई है, आपस में ही यहाँ पर, यहाँ जब इसके एसएल कटेंगे तो यहाँ गैप अप एसएल कटे, एसएल कटने के बाद वो मैंने बताया ना पहले से ट्रेड लाइन लगी हुई है, जोन उसकी चैनल बना हुआ है तो इसी के आसपास आकर रेजिस्टेंस लेगा। रेजिस्टेंस यहाँ लिया, लेने के बाद ये यहाँ ओपन हुआ, नीचे को आया वापस, अब इसी को पसंद कर, अब मैं नेक्स्ट ट्रेड लूंगा ओपन हो इसी बीच में, इसी बीच में ओपन हो निफ्टी, और निफ्टी से ओपन को निकालने के बाद ये लेवल निकाले मेरे, ये लेवल निकाले जो कि 44,500 का लेवल होगा, 520-525 का लेवल होगा। इस लेवल को निकालेगा तो ऊपर की तरफ को मैं ट्रेड लूंगा, जो कि लेवल हमारे ऊपर की तरफ को निकल के आएंगे, अच्छे टारगेट होंगे ऊपर की तरफ को। ठीक है, मेरा टारगेट तो 20,000 का है सॉरी, तो ऊपर की तरफ को टारगेट होंगे, जो कि ये आना मुमकिन आना वाजिब लग रहा है कि आ जाए, तो हम यही इसी उससे ट्रेड लेंगे। अगर कल ही कल निफ्टी अगर नीचे ही ओपन हो जाता है, ये 19,326 के आसपास ओपन हो जाए, गैप डाउन ही ओपन हो जाए और यही सस्टेन होने के बाद ऊपर की तरफ निकलता है, तो मैं यहाँ ये हो गए जो 44,400 और 44,450 का तक की रेजिस्टेंस फेस होगा मेरा। अगर ये इसमें भी एक छोटी सी ट्रेड लाइन बन रही है, इसे जरूर देख लेना एक बार, इसमें भी देख लेना कि मैं बता दूं एक बार, ये जो ट्रेड लाइन बन रही है ना आपको, ये जो बन रही है इसको देख लेना एक बार, ये वाली, ये बार बार ही रेजिस्टेंस ले रही है इसका ट्रेड लाइन का, और जब जब इसके बीच में, मैं इसीलिए यहाँ बोल के चल रहा हूँ कि इसी बीच में ओपन हो, ऊपर का लेवल निकालेगी तो फास्ट मूवमेंट होंगे, अगर नीचे की तरफ को निकालेगी तो वो भी फास्ट होंगे। अगर ही ओपन होने के बाद नीचे को निकलती है और ये लेवल काटती है तो हम 19,326 देख सकते हैं पहला सपोर्ट, दूसरा देख सकते हैं 19,235 का। ठीक है दोस्तों, ये हमारे ट्रेडिंग सेटअप होंगे जो ट्रेडिंग करेंगे हम, जिसके अकॉर्डिंग और इसी अकॉर्डिंग हम ट्रेडिंग करेंगे। यही हमारे लेवल और सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ होकर निकले हैं, और इसी बीच में देखते हैं कि मार्केट कल क्या रिएक्ट करती है। और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो कल प्रीमियम गलाए जाएंगे बैंक निफ्टी का, तो बड़े ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। अगर मोमेंटम मिलती है तो मोमेंटम को ट्रेड करें, वरना कोई पोजीशन लेके ना बैठे दोस्तों, कोई भी पोजीशन लेके ना बैठे। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें, और तैयारी कल की वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताएं। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोगों का प्यार आ रहा है वीडियो पर, वीडियो के व्यू भी बढ़ के आ रहे हैं, आपके लाइक भी करते हो, तो थैंक यू दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद दोस्तों।